शिमला में भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से डरी बीजेपी, यात्रा को मिल रहा लोगों का प्यार। शिमला में मोबाइल ऐप से होगी पर्वतरोहियों की निगरानी। पर्यटन विभाग ने तैयार किया ऐप, मिलेगी ट्रैकिंग रूट की सारी जानकारी। मंडी में परीक्षा परिणामों की अनियमितताओं के खिलाफ एबीवीपी का धरना प्रदर्शन। मौके पर मुख्य प्रवक्ता निशांत गुलेरिया रहे मौजूद। नालागढ़ में डिग्री कॉलेज के 80% से ज्यादा छात्र छात्राएं हुए फेल। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शिमला में युवा छात्र संघ ने रिज मैदान में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। लोगों को रक्त के प्रति किया गया जागरूक। मौके पर कई लोगों ने किया रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं शिमला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि बीजेपी घबरा गई है, हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ रहा है। राहुल गांधी इसके बाद नए रूप में सामने आएंगे। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा आज मध्य प्रदेश पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और जिसे देख केंद्र की बीजेपी सरकार आतंकित है और यह यात्रा सांप्रदायिक देश को जोड़ रही है। राठौर ने कहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक थी और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर की ये पदयात्रा पूरी हो चुकी है और अभी इस पदयात्रा को पूरा होने में और समय। जिस ढंग से देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा था, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास हो रहा था, इस भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। और आपने देखा होगा कि जो जन समर्थन श्री राहुल गांधी जी को मिल रहा है, आप देखेंगे कि इस पदयात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी जी एक नए रूप में आपको जो है नजर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी है, वो इस पदयात्रा को लेकर बहुत परेशान है और उनके बयानों से साफ जाहिर होता है कि वो इस पदयात्रा से घबराए हुए। और पहाड़ों में कदमताल के शौकीन देश विदेशी कई सैलानी प्रदेश में बिना पंजीकरण के कठिन और जोखिम भरे मार्ग में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जहां ट्रैकर के रूट से भटकने के कई मामले सामने आ रहे हैं और यहां तक कि कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। विभाग ने इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए एक ऐप बनाया है। वहीं इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैकर को रूट की सही जानकारी मिलेगी और इस पर पर्यटन विभाग के प्रबंधक निरीक्षक अमित कश्यप ने बताया है कि प्रदेश में ट्रैकिंग के लिए आए सैलानी बिना पंजीकरण के रूट पर चले जाते हैं। रूट की सही जानकारी न होने की वजह से कई बार वह मुसीबत में फंस जाते हैं और जिसके लिए ये ऐप बनाया गया है। इस ऐप से पर्वतरोहियों को काफी सुविधा मिलेगी और इसमें रूट की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी और इसमें रोड रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन श्रेणियों में रूट्स को दर्शाया गया है। और वही पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध करवाया गया है। इस ऐप में हिमाचल के सभी ट्रैकिंग रूट की जानकारी दी गई है। बहुत अहम और महत्वपूर्ण सेगमेंट जो पर्यटन का है हमारे प्रदेश में, वो एडवेंचर टूरिज्म का है। चाहे वो रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, ये सब जो है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अन्य प्रदेशों से और अन्य देशों से भी जो है यहाँ पधार के इसमें हिस्सा लेते हैं। कई बार ये देखा गया था कि जो लोग इसमें हिस्सा लेने यहाँ पर आ रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, वो उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी उस रूट के बारे में और वो जब लापता होते थे उसके बाद जो है बहुत देर बाद हमारे को सूचना प्राप्त होती थी कि इस प्रकार का कोई दल गया था और वो जो है लापता है। उसके बाद जो है उसमें जो रेस्क्यू पार्टीज है उनको भेजा जाता था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार
पटेल विश्वविद्यालय यूजी इकाई मंडी ने यूजी कक्षाओं के परीक्षा परिणामों में आ रही अनियमितताओं के खिलाफ वल्लभ कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया है और इस धरना प्रदर्शन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी के जिला संयोजक निशांत गुलेरिया उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से घोषित परिणाम को लेकर रोष व्यक्त किया है और उन्होंने इस परिणाम को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासन को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने परिणामों में आ रही अनियमितताओं को लेकर कहा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली को लेकर लागू किया गया ऑनलाइन सिस्टम शुरू से ही छात्रों का सरदर्द बना हुआ है। शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी यूजी इकाई मंत्री, जैसे कि आप सभी यहां देख सकते हैं कि इस वल्लभ महाविद्यालय में छात्रों द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन आज यहां पे महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। उसका जो सीधा साधा यहां पे जो कारण है वो जो है परीक्षा के खराब परिणामों के कारण है। हम देखते हैं कि अभी 25 नवंबर आज दिनांक 25 नवंबर तो अभी 20 नवंबर में जो है परीक्षा के परिणाम आते हैं और लगभग 90% परिणाम जो में छात्र हैं वो सभी जो है 5 से 6 सब्जेक्टों में फेल है। हम इस विश्वविद्यालय शिमला विश्वविद्यालय को यहां से चेतावनी देना चाहते हैं कि जो परीक्षा के खराब परिणामों हैं उन पे अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो विश्वविद्यालय परिषद एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है पूरे उग्र आंदोलन के साथ चक्का जाम करने से भी पीछे गुरेज नहीं। और नालागढ़ में डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर के करीबन 80% से ज्यादा छात्र छात्राएं फेल हो गए हैं, जहां पेपरों में गड़बड़ी और रिजल्ट लेट आने को लेकर सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने डिग्री कॉलेज में प्रदर्शन किया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। और हमारे कॉलेज का रिजल्ट फर्स्ट ईयर का भी थर्ड ईयर का भी मतलब ज्यादातर रिजल्ट गंदा ही आया है। मतलब कोई भी बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मतलब उन्हें मतलब उन्होंने लिखा तो जरूर है पर उन्हें नंबर नहीं मिले, उनके मतलब उनके मतलब के हिसाब से उन्हें नंबर नहीं मिले गए हैं। HPU ने भी उनके साथ मतलब कल भी ऐसे ही था, मतलब बच्चों का थर्ड ईयर को जो भी सेकेंड ईयर वालों का रिजल्ट था उसमें मतलब उन्हें पूरे से मार्क दिए हुए थे, वो कल निकाल के उनके रिपेयर निकाल दी है। कल भी ऐसे था जब हमने रिन्यूअल रिजल्ट चेक किया ऐसे ही था, मतलब बच्चे कह रहे हैं कि हमने लिखा है पर हमें नंबर नहीं दिए हैं, ऊपर से रिजल्ट भी इतना लेट आया है कि हम करें तो क्या करें, ना हम फर्स्ट ईयर मतलब पीछे जाने के लायक है अब ना आगे आने के लायक है। मैं EVP का जिला संयोजक जिला सोलन से, मैं नालागढ़ कॉलेज का छात्र हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं जी SPO ने अभी रिजल्ट निकाले हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे 85% बच्चे अभी फेल हुए हैं। उसमें किसी के बच्चों का ऐसा हुआ है कि सवेरे का रिजल्ट कुछ और रहा है और शाम को कुछ और रहा है, सुबह को पास है शाम को फेल हो जाते हैं। हम ऐसे HPU से एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर से कहना चाहते हैं कि उन पेपरों को दोबारा से चेक किया जाए और दोबारा से उनके लगाए जाए नंबर लगाए जाए, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। अब जैसे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है तो उसमें अब इस टाइम आया है, अब मिड टर्म आने वाले हैं, दिसंबर में मिड टर्म है हमारे, तो मिड टर्म में अब बच्चा कहाँ जाएगा, या तो रोल बैक होगा या तो आगे भी नहीं जा सकता है बच्चा, उसकी पिछली पढ़ाई भी आधी चली गई है और अगली पढ़ाई भी आधी चली गई है। तो मेरा HPU प्रशासन से यह अनुरोध है कि कृपया बच्चों के पेपर दोबारा से चेक किए जाए, रीटैली किए जाए, जिससे कि उनके किन्होंने किसी बच्चों ने ऐसे इतने पेपर भरे हैं लिखे हैं उन्होंने पर उनको फिर भी नंबर नहीं लगे, उनके नंबर नहीं लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे कई आते हैं, कई लड़कियाँ आती हैं जो यहाँ हमारे पास रोती हैं। हम भी आज हमने ऐसा सोचा कि कम से कम प्रिंसिपल के थ्रू हम एग्जामिनेशन कंट्रोलर को HPU के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को हम लिख के दें कि वो पेपर दोबारा से लिखे जाए, ऐसे हमारे ऑल हिमाचल में चला हुआ है। और शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान में शुक्रवार को चौपाल युवा छात्र संघ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ नगर निगम के पार्षद और शिमला व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने किया है और रक्तदान भी इस दौरान उन्होंने किया है। सबसे पहले तो मैं चौपाल युवा छात्र संघ को मुबारक देना चाहता हूँ, ये हर साल इस तरह की कैंप लगाते हैं और देखिए रक्तदान एक महादान है, हम इससे दूसरे की लाइफ बचा सकते हैं, एक छोटा सा जेस्चर है, हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस तरह के कैंप्स लगा के, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे सारे हॉस्पिटल में ब्लड की कमी है जितने ब्लड बैंक हैं। तो मैं इन बच्चों को बधाई देता हूं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब भी ये मुझे यहाँ इनवाइट करते हैं ताकि हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, मैंने स्वयं आके ऐसा तो
मैं यूजली देता रहता हूँ, लेकिन ऐसे ओकेजन पे आके देना मैं और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ। ताकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जो ब्लड दे रहे हैं आपका कोई नुकसान नहीं है, अभी तो आप किसी न किसी की लाइफ बचा रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रवि जोड़ता और इनके पूरे जो इनकी पूरी टीम है इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ग्लोबल सिटी मैकडोलगंज स्थित दाई लामा टेम्पल में कोविड काल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से जनता के नाम उनके उपदेशों की कड़ी शुरू की गई है, और जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में दलाई लामा की टीचिंग्स कहा जाता है। दलाई लामा के इन उपदेशों की कड़ी के शुरू होते ही देश विदेश में रहने वाले उनके अनुयायियों में बेहद खुशी की लहर, और इसके मद्देनजर देश विदेश से सैकड़ों अनुयायी यहां पे आना शुरू कर देते हैं। I went to before I saw him in the video. I feel his emotion inside. In Vietnam, I practiced meditation a long time, but I want to meet him to study more knowledge and to develop in mind. I want to. You want to see him? Yeah, I want to see him. I'm here to be part of the Dalai Lama's teachings, especially for the Koreans. We can see lots of foreigners are here. How much significant do you find it for the people of the world? I think Dalai Lama's teachings are universal for everyone in the world, teachings of peace and harmony and inclusion, which is very, very important to me. And I think the world is waking up to this as well. So it's of utmost importance. How are you feeling to be a part of this event? I'm feeling excited. I cannot quite believe that I'm here. And I'm feeling very privileged. और विश्वविख्यात लेखक सलमान रुश्दी की सोलन स्थित फॉरेस्ट रोड पर बनी अनीसा वीला इन दिनों विवादों के घेरे में है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के उन पर हमला होने के बाद सोलन स्थित अनीस वीला पर कब्जे को लेकर केयर टेकर गोविंद राम सलमान रुश्दी के वकील के बेटे के बीच इस संपत्ति को लेकर विवाद चला हुआ है। मैं बतौर अधिवक्ता जिला न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गोविंद राम जी हमारे पास आए थे और उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हमें जिनके हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम खड़े हैं ये सलमान रुश्दी जी की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में गोविंद राम जी को बतौर केयर टेकर सलमान रुश्दी जी ने रखा था और उन्हें इस प्रॉपर्टी की देखभाल करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि दो लोग जिनका नाम अनिरुद्ध शंकर दास और राजेश त्रिपाठी है, ये लोग कुछ लोगों को लेकर आए और इनका सामान इस प्रॉपर्टी से जबरदस्ती बाहर फेंकने लगे। जिस पर और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।